हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और सभी भाइयों को जय श्री श्याम। भाई मैं जा रहा हूँ सर्वोदय हॉस्पिटल, अपनी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होनी है, कुछ टेस्ट वगैरह होने, तो पहले जा रहे हैं, नहीं तो 11 बजे तक डॉक्टर उठ जाएगा। 10:30 बज रहे, बैंड बजी पड़ी है, लेट हुआ पड़ा हूँ मैं, तो फटाफट निकलते हैं और देखते हैं। अरे दीदी तुम चुप हो जाओ, ये नहीं बंद होगा, जान खा जाएगा मेरा। चलो आगे चलते और देखते हैं आगे क्या होता है यार, पहले ही लेट है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं। निबट चुका है भाई साहब, ईसीजी एक्सरे वैक्सरे पता नहीं क्या क्या नहीं किया, मेरी तो जान निकल गई। मैं अब वहां से निकला हूँ, सर दर्द हो रहा है वाकई में, भूख के मारे सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब सेक्टर 3 जा रहा हूँ हमारे ऑफिस पे, और सेक्टर 3 के बाद वहां देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। उसके बाद आज महिंद्रा भी जाना है, आज कोशिश कर रहे हैं आज कार की डिलीवरी मिल जाए हमें, XUV700 की, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन रह रहा है उन्हीं की तरफ से, महिंद्रा वालों की तरफ से, तो वो उनके एंड से कंप्लीट होना है शाम तक, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी चल रहा हूँ मैं सेक्टर 3। भाई हम लोग ऑफिस पे से निकल चुके हैं, मेरे साथ में मेरा छोटा भाई संकेत और पीछे पूरी पलटन बैठी है, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं अब महिंद्रा के शोरूम, महिंद्रा शोरूम पे जाके एक बार देखते हैं उनके साथ क्या करना क्या नहीं करना, क्या सिस्टम बिठाना है। आज गाड़ी लेके आनी है, आज इसी मूड से जा रहे हैं, बाकी देखते हैं वहाँ चल के। वो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने अटका रखा है, बड़े दिन से बेवकूफ बना रखा है, तो आज चलते हैं, आज कार्रवाई करके आते हैं कुछ ना कुछ। छोड़ दिया था हमने, बिल्कुल होने के बाद में मॉडल चेंज होना, तो ये तो बताओ अगले खामा का किस्त भर रहे हैं उसका फायदा क्या होगा? किस्त रुपा तो थी, मैंने कह के रुपाई थी, कुछ नहीं रुपाई हो तो नहीं कह के आपने तो रुपा दी, एक किस्त तो चली गई ना, किस्त चली गई, वो किस्त मिल जाएगी, वो हम इसमें एडजस्ट करने के चक्कर में तो परसों तक बैठे हैं। कितने उसी चक्कर में तो बैठे थे, परसों भी इसी चक्कर में बात हुई थी। जब से कोई एक्शन नहीं लिया गया वहाँ कोई आप बताओ अपना रेट बताओ। मैं यहाँ शोरूम पर सेक्टर 16 में आनंद मिश्रा बैठा है, मैं इससे बात कर सकता हूँ। आनंद मिश्रा अपने सीनियर से बात कर सकता है वो, और वो सीनियर आकर मेल डाल सकता है, ठीक है जी। मैं अगर यहाँ मेरा हॉस्पिटल है समझना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई काम बैंगलोर में करवाना है, पहले तो मैं मेरा क्या काम रहेगा, मैं मेल डालूंगा, ठीक है। अगर मेल पर मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर रिवर्ट नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके सीनियर को कॉल करूँगा या उसको कॉल करूँगा, कॉल करोगे, ठीक है। उसका नंबर आपके पास है भाई, क्रेडिट अफसर का पोर्टल होता है, पोर्टल होता है हर कंपनी में, उसमें POC होते हैं, POC 1, 2, 3 होते हैं ना साहब। अगर एक दिन सैलरी ना आए ना किसी एम्प्लॉय की, वो अच्छे से जानता है ऊपर से नीचे तक किसको मेल डालना है, किसको फोन मारना है। अभी यहाँ पर कस्टमर को पता नहीं है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कस्टमर, वो अलग है यार, वो अलग है मेरे भाई, वो अलग है। मुझे गाड़ी देने में कोई हर्ज नहीं है, रात को मैं 10 बजे डिलीवरी दूंगा, तो चाहिए देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल की शॉप नहीं है, 10 बजे दे देंगे, फिर आप मानोगे नहीं, सुनो मेरी बात, गाड़ी बुक करी थी 7 दिन की, 7 दिन में गाड़ी मिल जाएगी,
अरे छोड़ना भी बात हो छोड़ आप ऐसा करो ना कागज तो चालू करवाओ तैयार तो करवाओ कागज चालू करने क्या है फिलिंग हुई पड़ी है हाँ तो वो फाइल रेडी करवाओ ना कम से कम फाइल तो रेडी करो जो उसके बाद का जो टाइम है वो तो नहीं लगेगा कम से कम अरे भाई फाइल रेडी है यार फाइल में क्या रखा है मुझे बता मेरे को क्या चीज लगवानी इनवॉइस हुई पड़ी है ऐसा ना हो ना फिर उस टाइम रुकना पड़ रहा हमें भाई इनवॉइस रेडी खड़ी है डीओ आ जाएगा टैक्स और इंश्योरेंस तब कटेगा जब डीओ आ जाएगा इनवॉइसिंग तो हुई पड़ी है इनवॉइसिंग पे करवा दो कहां आप इतने पढ़े लिखोगे होके आपने एक होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी और एक होता है डिलीवरी टाइम समझते हो ना कार में मैं बता देता हूँ कार कहाँ डिलीवरी अब तो भाई ने बताया मेरे को कि हमें 7 दिन का बोला गया जब आपने AX5 कह दी कि मुझे 7 दिन में डिलीवर कर दोगे अब सेलिंग किसकी तरफ से हुई हम तो AX5 लेके चले जाते गलत तो नहीं कह रहे अब सेलिंग हुई आप लोगों की तरफ से तो उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है हमारी बनती है आपकी बनती है कमिटेड टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सेलिंग जब करी के हम आपको आज ही दे दें या कल ही दे दें तभी हुई ना बस बात ही खत्म हो गई अब इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं जब आप खुद जवान से हामी भर रहे हो नहीं जवान से हामी नहीं भरा एक टाइप की बात चल रही थी उस टाइम पे एक टाइप गाड़ी मिल रही थी हमारे पास जो आ रही थी गाड़ी एक टाइप आ रही थी इसलिए मैं आपके साथ नहीं बोला एक सेवन खड़ी थी ना अपने पे एक सेवन खड़ी थी एक फाइव के लिए आपने बोला ना 7 दिन में गाड़ी दे दूंगा ठीक है बोला ना अब उसके बाद बताओ अब सेलिंग अगर नहीं होती तो हम गाड़ी नहीं लेके जाते वही वाली फाइव ले जाते वही आपकी तरफ से हुई ना तो गलती किसकी तरफ से हुई हमारी यही चीज तो मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ भाई क्या गजब दिख रही है यार जी भाई ये देख लो हमारी नई XUV700 AX7 भाई बस कोशिश यही है ये लोग आज की आज डिलीवरी दे दें नहीं तो भगवान कसम दिमाग खराब हुआ पड़ा इतना बस पूछो मत भाई इस टाइम अगर डिलीवरी मिल जाए मजा आ जाएगा के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है आनंद मिश्रा के हाथ में काम है पर वो सॉफ्टवेयर का है जैसी ऊपर लाइन स्मूथ रहेगी वो क्लियर होता चला जाएगा ये तो नहीं ये तो मेरी बात हुई कल मैंने आनंद मिश्रा को बोला था मैंने कि भाई मुझे एग्जैक्ट अभी तो उन्होंने शाम की तो बोली है आज शाम की तो बोली है आपके सामने की तो बात है शाम की तो बोली है अभी आपके सामने आपके फोन से बात हुई नहीं मेरे तो फोन ही नहीं उठा उसने कि मैं दबाव देता हूँ उसको पूरा मैंने कि तेरी वजह से मैंने मेरे को सुननी पड़ रही है हालांकि मेरे धीरज भैया कभी ऐसा वार्तालाप गलत नहीं हुआ अरे वार्तालाप तो कभी गलत नहीं होगा लेकिन वो गाड़ी तो टाइम पे मिल जाए ना मिश्रा जी मैंने कि तेरे पीछे मुझे गाली सुननी पड़ रही है कह रहा भाई आपको पता मेरे हैंड पे हो तो मेरा कर देता हूं सॉफ्टवेयर का है उन्होंने मेरे को बोला था मैंने कि मुझे मैं जब भाई साहब मुझे एक चीज बताओ डीओ में सॉफ्टवेयर का क्या क्या ऐसी क्या दिक्कत अटक रही है फिर वही वाली बात है जोगिंदर भैया मानो इस बात को ये बातें घुमाने वाली है यार यो दे देगा मैंने तेरे सामने गाड़ी रेडी ना खड़ी हो मेरा पेपर रेडी ना हो मुझे बता एक मिनट भी बता दे कि भाई तेरी तरफ से जो अंदर गलती है सेट के बाद बोल रहा हूँ ये भी अरे मेरी बात आप कुछ मर्जी रिकॉर्ड कर लो ठीक है सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात आप कुछ मर्जी कर लो ठीक है हम उसकी बात नहीं कह रहे आपने कमिटमेंट दी मैं शाम तक भी दे दूंगा आपने कमिटमेंट दी ना शाम की 4 बजे तक की हाँ या ना बता दो दी ना आपने तो आपने शाम की तो कमिटमेंट दी थी ना तो शाम हो गई आप शाम में मुझे ये बता दो कितने बजे तक रुकना है बात खत्म होगी मैं आपसे कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ अरे यार मैं ही बात कर रहा हूँ तो मेरी बात तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ फोन मैंने ले लिया है मैं आपने शाम की बोली थी हाँ या ना मैं जवाब देना शाम की बोली थी अरे यार रिकॉर्डिंग छोड़ो ना आप अपनी बताओ अरे रिकॉर्डिंग से तुम हमारा कह लेते फ्री में गाड़ी दे रहा है क्या तू यार रिकॉर्डिंग कर ली पैसे दे के गाड़ी ले रहे तुमसे अरे यार मुझे एक चीज बताओ आप 8 बजे तक डॉक्यूमेंट दे दोगे ना बात खत्म होती है
अरे मतलब डीलर को दे दोगे 8 बजे तक? अरे कोशिश का क्या मतलब है यार, अपनी जबान पे भी नहीं रहेगा क्या यार? आनंद कैसी बात कर रहा है यार? यार तूने तो बोला भाई शाम को दे देगा अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके। तेरे पीछे भाई मेरी इनवॉइस पकड़ लाए क्या ये महिंद्रा वाले? भाई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, हम तेरे से वही तो पूछ रहे लास्ट तुझे फोन कितने बजे तक करें, बस हमें वो बता दे मेरे भाई। आपसे मैं डिलीवरी की नहीं कह रहा, आपसे मैं आपके डॉक्यूमेंट की कह रहा हूँ। यार जोगिंदर भाई ये क्या तरीका है यार, मतलब अगले बंदे ने बोला ना शांत, हाँ अगले बंदे ने बोला ना शांत। मेरी बात सुनो, मैंने कल शाम को फोन किया था, मन की शाम की बोली तो इसमें कोई मना थोड़ी कर रहा है। कल बोला कि बृहस्पति को गाड़ी देगा 5 बजे तक, मैंने नहीं बोला होता बताओ तुम्हारी बृहस्पति की बोली। आनंद ने क्या बोली है? भाई हम लोग आ गए हैं ऑफिस पे और वहाँ पर शोरूम वालों ने क्या बोला है कि आज पेपर फारिक होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और कल सुबह गाड़ी ले जाना आप। ठीक है, आज बढ़िया तरह हुई है, खामा खा की जिदा बहस हुई है सिर्फ उन्हीं की वजह से, ना तो वो गाड़ी अपसेल करते ना पुराना वाला डीओ कैंसिल होता और ना बेकार का कलेज बनता। हाँ अब उन्होंने कलेज बनवाया है और उन्होंने बोला है कि कल सुबह 10-11 बजे गाड़ी दे देंगे बढ़िया तरह। खाली पीली की रोला मचवाया है बस। तो गाइज ऑफिस पे से निकल चुके हैं, ऑफिस से निकल के अब जा रहा हूँ घर। घर पे देखते हैं माँ क्या कर रही है। गाड़ी तो आज मिल नहीं पाई क्योंकि उन लोगों ने डीओ का चक्कर फंसा दिया, जो पुराना डीओ ही कैंसिल कल रात को 8 बजे करा है और नए डीओ की तो कोई बात ही क्या करे, कह रहा वो भी रात को 8 बजे तक बनेगा। अब 8 बजे के बाद दिक्कत ये हो जाएगी, डिलीवरी कैसे मिलेगी क्योंकि 6 बजे तक साइट चलेगी इंश्योरेंस और आरटीओ की, वो कट नहीं पाएगा 6 बजे के बाद। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई है जिसकी वजह से आज डिलीवरी नहीं हो पाई। बाकी कल डिलीवरी व्लॉग आएगा आप सबके लिए, बहुत तगड़ा बढ़िया XUV 700 की डिलीवरी होगी। ठीक है, वो कल आप लोगों को सबको दिखाया जाएगा, मस्त मजा आने वाला है। बाकी अब घर चलते हैं, घर माँ से मिलते हैं, पूछते हैं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही और क्या सिस्टम है, आगे पता लगेगा। चलो चलते हैं। ये बताओ हस्ती हो हैं? एक चीज बताओ तो सही, अब कल क्या बनाओगी? आलू पत्ता गोभी। आलू पत्ता गोभी क्यों, किस खुशी में? हट ना। कल यार मम्मी कल ऐसा मत करो, थोड़ा गरीब आदमी पे रहम खाओ, कुछ तो ढंग की चीज बना दो। हेलो माता जी, अब बता रही नहीं बता रही है? बाबू बोलोगी नहीं क्यों यार? बताती क्यों नहीं हो ना, तू ये भी वीडियो डालता है कदे यार। हाँ तो कल क्या बनाओगे?